अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये शेरुबा कंपनी की 747 एफ मॉडल में मशीन है। इस मशीन का मैं आज आपको ये फिटोक असेंबली और स्टिच काउंटर यानी कि टाके वाला केम किस तरीके से फिट होता है और इसकी टाइमिंग क्या होती है, तो मैं ये सारी चीज़ें आपको बताने की और सिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करेंगे, वीडियो देखेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका ये सामान किस तरीके से फिट किया जाता है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप कोई भाई मुझे पहली दफ़ा सुन रहा है या देख रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी लाजमी दबाए ताकि ऐसी कोई भी मैं टेक्निकल वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों इसके फीड बार को हम सबसे पहले जगह पे लगा लेंगे, यानी कि हमारा जो ये फीडोक वाला राड है जो फीडोक को आगे पीछे मूव करवा रहा है या ऊपर नीचे करवा रहा है, हम इसको सबसे पहले लगाएंगे। और इसके अंदर ये दो कनेक्टिंग लगा हुआ है, इसको हमने इधर ही बाहर रख के अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है, इसको लूज़ नहीं छोड़ना है। और अगर इसमें कोई चाल वगैरह हो तो इसको आपने, इसके अंदर बुश होता है एक छोटा सा लगा हुआ, मार्केट से आप परचेस करके नया लगा सकते हैं। तो इसको हमने इधर ऐसे एक एक करके ऐसे पीछे की तरफ इसको लेके जाना है और पीछे की तरफ ले आके फिर इसको हम आगे इधर ऐसे आगे लेके आएंगे तो ये आगे अपने सुराख में चला जाएगा। तो दूसरा भी ऐसी हम फीड बार ऐसे जगह पर लेके जाएंगे और ये जो नट है ये पीछे के साइड पर आएगा फीड बार का, इसको हमने पीछे कर लेना थोड़ा सा ऐसे और पीछे करके और फिर इसको हम जगह पर ऐसे बैठाएंगे ले आके, क्योंकि इसका जो सांचा आगे से बाहर निकल रहा है इधर आगे सांचे में इतना जगह नहीं होता है, इस जगह से इतना जगह नहीं होता है कि दोनों एक साथ अंदर चला जाए, तो इसको हम ऐसे आराम आराम से इसको जगह पे बैठा लेंगे। दोस्तों ये जैसा आपको दिख रहा है इसको हमने इधर साइड में से मिला लेना है बिल्कुल, और मिला के इसको हम कोशिश करेंगे कि ये सुराख पर जाके बैठ जाए। ये एक फीड बार हमारा चला गया अंदर और दूसरा फीड बार भी हमने इसी तरीके से लगा लेना है। तो ये अटक गया है, इसको रिवर्स खींच के हम दोबारा ऐसे कोशिश करेंगे कि ये जगह पे बैठ जाए जाके। तो ये अभी दोनों पीस जगह पे हमारा बैठ गया, इसको हमने आगे लेके जाना और ऐसे और आगे ले आके इसको बैठा लेना है। दोस्तों इस जगह से हमें दोनों फीड बार आपको नज़र आ रहा होगा आगे की तरफ से इस जगह से। दोस्तों इसको जब भी आपने खोलना है तो इसका ये हिस्सा नहीं खोलना है, अगर ये हिस्सा खोलेंगे तो फिर यहाँ से बाद में ऑयल निकलना शुरू हो जाता है और खोलने में ये हिस्सा सिल्वर का बना हुआ होता है तो ये टूट भी जाता है। तो आपने जब भी खोलना है इसी तरीके से बाहर निकालना है जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाया। दोस्तों ये फीड बार वगैरह फिट करने से पहले एक दफ़ा मशीन को ये फीड बार निकाला हुआ होगा और ये खाली होगा और इसको आपने चला के चेक करना है कि इसका ऑयल इन सुराखों से, इसके अंदर शाफ्ट के अंदर सुराख बना हुआ होगा, दो तीन सुराख है, तो इन सुराखों से ऑयल हमारा बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर ऑयल बाहर नहीं आ रहा है तो पहले ऑयल का मसला हल करना होगा। ये आपको सुराख दिख रहा होगा, इधर एक आगे है, इसी तरीके से एक इस साइड पर भी है, तो इसमें से ऑयल आना बहुत ज़रूरी है, वरना ये पुर्जा जो भी आप फिट करेंगे तो ये कटता रहेगा और बार बार कट जाएगा, तो ये परेशानी फिर रहेगी। तो इसका ब्लॉक फिट कर लेंगे। दोस्तों इसके शाफ्ट के ऊपर ही एक केम बना हुआ है इधर अंदर के साइड पे फीड बार के नीचे, और ये ब्लॉक हमारा उसके ऊपर ही जाके सेट होगा और उस केम के ऊपर ही ये ऐसे ऊपर नीचे करता है तो हमारा फीडोक ऊपर नीचे हो रहा होता है। तो इसको भी हमने यहाँ से ऐसे लगाना है, लेकिन इसके अंदर एक ये स्प्रिंग लॉक लगा हुआ है, स्प्रिंग लॉक वाला हिस्सा हमारे तरफ होगा इस तरफ, और इस तरफ से बेरिंग अंदर डला हुआ होता है। तो अगर ये बेरिंग वगैरह ख़राब हो जाए तो आप इसको नया परचेज़ करके लगवा सकते हैं, और इसको इस तरीके से हमने यहाँ पे लगा लेना है। और ये कट वाला जो हिस्सा है, ये जो ज़्यादा हिस्सा है ये इस तरफ रहेगा और जो कम हिस्सा है ये इस तरफ रहेगा, और इसको हमने अंदर ले आके ऐसे बैठाना है। दोस्तों इसको हमने इधर से ऐसे जगह पे ले आके ऐसे बैठाना है, किसी पेचकस से या किसी चीज़ से आगे हम धक्का देंगे ऐसे तो ये आगे चला जाएगा, और आगे जाने के बाद इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे और सीधा करके इसके फीड बार को हम इसके ऊपर बैठा लेंगे। तो एक फीड बार पे हमारा चढ़ गया है ये ब्लॉक, तो ऐसे ही हमने और भी फीड बार पे चढ़ा देना है इधर से ऐसे अंगूठे से, इसको हम धक्का देंगे और व्हील घुमाएंगे तो ये आगे जाता जाएगा। अगर अंगूठे से नहीं देते धक्का तो किसी पेचकस से आपने यहाँ से ऐसे इसको धक्का देके और आगे चढ़ाते जाना। तो अभी हमारा एक फीड बार पे चढ़ गया है, दूसरा फीड बार हमारे को इधर से इसको बराबर करना होगा, इसके जो इसका चौरस हिस्सा बना हुआ है उस चौरस हिस्से के हिसाब से इसको बराबर करके और इसको भी हम ऐसे बैठा लेंगे, फिर हम व्हील को घुमाएंगे ऐसे, व्हील को घुमाएंगे तो ये ब्लॉक हमारा जगह पे जाके बैठ गया। दोस्तों अब इसका हम ये पिन को बैठा लेंगे, ये जो हमारा पीछे से फीडोक को सीधा करके रखता है बिल्कुल ऐसे, यानी कि इसको ऐसे सीधा रखने में जो फीड बार है इसको मदद करता है। अगर हम इस पर ऐसे मूव करेंगे तो इसके अंदर केम बना हुआ है, ये ब्लॉक ऊपर नीचे ऐसे होगा तो फीड बार को हमारे को ऐसे ऐसे करने में मदद मिलता है। तो इसका जो ये स्क्रू है इसको हमने बाहरी रख के अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है, और टाइट करने के बाद फिर इसको लगाएंगे। दोस्तों इसको लगाते वक्त ध्यान ये देना है कि इधर ये काला हिस्सा है और ये हिस्सा चमक रहा है, जो चमकता हुआ हिस्सा है उसी के ऊपर हमारा ये असेंबली बैठेगा, फीड बार असेंबली जो है उसको बैठाना है। इसको हम इधर से ऐसे जगह पर बैठा देंगे,
इसकी ब्लॉक को हम फीड बार पे चढ़ा देंगे। तो ये हमारा इधर से इसको हम थोड़ा मूव करवाएंगे, इसका जो ये हमारा इधर शाफ्ट जो लगा हुआ है इसको हमने ऐसे मूव करवाना है ताकि ब्लॉक हमारा थोड़ा नीचे हो जाए। फिर हम ब्लॉक को सीधा करेंगे और बैठाने की कोशिश करेंगे। इधर से आगे धक्का देना है, वो धक्का देके इसको बैठा लेना है। एक पे चढ़ गया है और इसी तरीके से दूसरे भी हमने चढ़ा लिया है। इसकी सेटिंग हम जब करेंगे, जब हमारा आगे से फिडोक वगैरह निडिल प्लेट वगैरह लग जाएगा तो इसको हम सीधा करने के लिए यहाँ से इसको हम घुमाएंगे ऐसे, तो ये हमारा फिडोक मूव करेगा। ये इस तरीके से हम इसको घुमाएंगे तो फिडोक हमारा ऊपर नीचे हो रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। तो ये इस तरीके से काम कर रहा होगा दोस्तों। इसका स्टिच काउंटर अब हम फिट कर लेंगे। स्टिच काउंटर में सबसे पहला हिस्सा ये गियर वाला जो हमारा हिस्सा है जो टाके को लॉक करेगा वो फिट होगा। तो इसका जो दो स्क्रू आपको दिख रहा होगा, तो एक स्क्रू इधर हम छोड़ देंगे और दूसरे स्क्रू पे इसका हमारा ये कट मार्क टाइट होगा इसका। तो इसको हमने इधर ऐसे लगा लेना है, लगा के बिल्कुल एंड पे ले आके इसको छोड़ देना है। जब हम इसकी कैम की सेटिंग करेंगे तो इसके स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे जगह पे। अभी हमने इधर से ऐसे हल्का हल्का ऐसे ठोकना है ऐसे हल्का हल्का, और ये जगह पे जाके बैठता जाएगा। इसके गियर वाले हिस्से पे आपने नहीं ठोकना है, खाली हिस्से पे ठोकना है। तो ये हमारा पीस जाके जगह पे बैठ गया है दोस्तों। अब इसका ये पीस लगा लेंगे। ये टाका छोटा बड़ा करते वक्त यहीं पे हमारा पिन आके फंस रहा होता है, तो इसको हमने इस जगह से ऐसे अंदर करना है इस जगह पे। और इस जगह पे अंदर करने के बाद फिर हम इसका ये लॉक पिन लगाएंगे। जो ये इसका लॉक पिन है इसको हमने इधर ऐसे बैठा लेना है। जो इसका कट वाला हिस्सा है कट वाले हिस्से के सामने ये बैठेगा दोस्तों। इसका जो गियर वाला हिस्सा है ये बाहर की तरफ रहेगा उस तरफ, और इसको ऐसे हमने यहाँ पे ऐसे बैठा लेना है। और बैठाने के बाद इसको हम आगे लेके जाएंगे ऐसे। किसी चीज़ से हम ऐसे धक्का देते जाएंगे तो ये आगे जाएगा। दोस्तों ये जो हमारे को पिन नज़र आ रहा है, इस पिन को हमने इधर नीचे की तरफ रखना है। तो ये हम ऐसे इस तरफ ले आएंगे ऐसे, और लाने के बाद इसको ऐसे हम करीब लेके जाएंगे। तो ये पिन हमारा इस साइड पे आ जाएगा ऐसे। पिन को थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं हाथ से, और ये करने के बाद फिर इसको हम ऐसे ऊपर लेके आएंगे और इसको ऐसे नीचे की तरफ दबाएंगे, और दबा के इसको एंड में ऐसे ले आके चिपका देंगे। तो ये हमारा लॉक बैठ गया है इसका जगह पर, और अब हम इसका कनेक्टिंग और बेयरिंग और ये सारी चीज़ें लगाएंगे। तो अब हम इसका ये बेयरिंग और कनेक्टिंग अलग अलग कर लेंगे ऐसे, और अलग अलग करने के बाद फिर हम इसके कनेक्टिंग को इधर से ऐसे अंदर लेके जाएंगे ऐसे। इसका जो सुराख वाला हिस्सा है ये ऊपर की तरफ आना चाहिए, इसको ऐसे लगाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, और इसको ऐसे लगाएंगे तो ये ऊपर आएगा। जो सुराख है इसको हम इधर रखेंगे तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इसको ऐसे ले जाके हम और यहाँ पे ऐसे चढ़ा लेंगे, और चढ़ाने के बाद अब इसके अंदर एक पट्टी लगा हुआ होगा जो टाका छोटा बड़ा करने में थोड़ा सा जाम बना लाता है। तो उसको हमने इधर पट्टी को ऐसे बैठा लेना, और बैठाने के बाद इसको हम जगह पे लेके जाएंगे ऐसे। दोस्तों इसको कनेक्टिंग को हम ऐसे ऊपर से ऐसे पकड़ लेंगे, और जो इसका ये टाके वाला और बेरिंग जिसके ऊपर फिट है हमारा एक रिंग, इसको हम आगे की तरफ ऐसे लेके जाएंगे, और इसको हम इसको कनेक्टिंग को इसमें बैठाने की कोशिश करेंगे बेरिंग के ऊपर। कनेक्टिंग हमारा बेरिंग पे बैठ जाएगा तभी जाके ये आगे फिट हो जाएगा। तो कनेक्टिंग को हम बेरिंग पे बैठा लेते हैं। ये भी इस तरीके से हमने इसको आगे लेके जाना है, और लेके जाने के बाद इसको हमने ऐसे हल्का हल्का ऐसे 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 बैठाते जाना। अब ये आधे पे जब पहुंच जाए इसको आधे पे लाके रोकना है ऐसे, बिल्कुल फुल नहीं बैठाना है ऐसे। और इस जगह पे जो ये पिन आपको दिख रहा है इस पिन को हम अंदर धक्का देंगे। इधर से कनेक्टिंग को ऐसे पकड़ लेंगे, और पकड़ने के बाद इस पिन को हम ऐसे अंदर धक्का देके रखेंगे, और यहीं से इसको आगे धक्का देंगे। ये पिन को बैठाना ज़रूरी है दोस्तों। व्हील घुमा के हमने ऐसे इसको हमने ऊपर की तरफ ले आना है ऐसे, और ऊपर की तरफ लाने के बाद इसकी इस पट्टी को हम बैठा देंगे ऐसे। किसी भी पेचकश की मदद से इसको हम ऐसे धक्का देंगे आगे, तो ये जाके बैठ जाएगा। इधर से हल्का सा किसी चोट पे किसी चीज़ से चोट मार लेंगे दोस्तों। इस तरीके से हमने पिन के ऊपर पेचकश रख के और इसके ऊपर ऐसे चोट मारेंगे तो ये जाके अंदर बैठ जाएगा। दोस्तों इस कैम के ऊपर आपको ये सांचा दिख रहा होगा, इस सांचे के अंदर हमारा ये पिन जाके बैठेगा। इस पीस के अंदर जो पिन बना हुआ है ये पिन इस सांचे में बैठेगा। इसका ये वाला स्क्रू हमने निकाल लेना है यहाँ से, और निकालने के बाद इसको भी हम जगह पे लगा लेंगे तो हमारा स्टिच काउंटर सारा बैठ जाएगा। इसको हमने इस जगह पे ऐसे बैठा लेना है, और इसको हम ऐसे अंदर लेके जाएंगे
और ले जाके इसके सांचे वाले जगह को हम बैठा लेंगे। इसको हम ऊपर कर लेते हैं ऐसे घुमा के और ऊपर से दिखाते हैं दोस्तों। व्हील घुमा के हमने इसके सांचे वाले हिस्से को ऊपर ले आना है और इसको जाके ऐसे इसके अंदर बैठा लेना है। ऐसे इधर से हम धक्का देंगे, किसी चीज़ से हल्का हल्का ठोकेंगे, पेचकस से या किसी चीज़ की मदद से ऐसे। ये पीस हमारा जगह पे जाके बैठ गया है और यहाँ जो स्क्रू इसका लगा हुआ था इसको हम लगा लेंगे दोबारा, ताकि वो पिन हमारा बाहर ना निकल जाए। दोस्तों इस स्क्रू को हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है, इसको लूज़ नहीं रहने देना दोस्तों। इसके ये गियर वाला जो प्लेट लगा हुआ आगे जो हमारा टाके को रोक के रखता है, इधर भी दो स्क्रू यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, तो हमारा जो ये वाला स्क्रू है इसको हमने कट मार के ऊपर टाइट कर लेना है दोस्तों। इसके कट वाले हिस्से को सामने ले आना और सामने लाने के बाद इसके स्क्रू को हम लगा लेंगे दोस्तों। ये इसका स्क्रू मैं कट के ऊपर चढ़ा लेता हूँ, फिर आपको आगे दिखाते हैं। ये इसका कट पे एक स्क्रू मैंने चढ़ा लिया है, व्हील को आगे पीछे हिला के हमने देख लेना है कि हमारा ये कट पे सही चढ़ा नहीं चढ़ा। तो ये ऐसे हिला के अच्छी तरीके से हमने इसको चढ़ा लेना है इधर से, और इसके दूसरे स्क्रू को भी हम टाइट कर लेंगे दोस्तों। इसी तरीके से इधर भी दो नंबर का दो इंची का स्क्रू लगा हुआ है, इधर एक आपको कट दिख रहा होगा, ये वाला स्क्रू हमारा कट पे नहीं टाइट होगा, हमारा जो ये स्क्रू के करीब जो स्क्रू है उसको हमने कट मार्क पे टाइट करना है। तो यहाँ पे भी एक कट मार्क होगा, इधर एल्की को हल्का हल्का हम ऐसे टाइट करते जाएंगे, और टाइट करने के बाद जब एल्की हल्का हल्का टाइट होने लगे तो हम इसके व्हील को घुमा के देखेंगे कि इसका कट मार्क जगह पे आया नहीं आया। जब ये कट मार्क जगह पे आ जाएगा फिर हम इसके से हिला हिला के हल्का हल्का और टाइट करेंगे, और यहाँ से इसको हम दबा देंगे, ऐसे इसको दबा के रखेंगे ताकि सब एक दूसरे के साथ चिपका रहे, जो इसका स्टिच काउंटर का असेंबली का जो पीस है सारा ये सब एक दूसरे से चिपका रहे। तो इसको हमने टाइट कर लेना, और इसी तरीके से इसका दूसरे स्क्रू को भी हम टाइट कर लेंगे, और टाइट करने के बाद फिर हम इसको चेक कर लेंगे कि गोया स्टिच काउंटर हमारा सही काम करेगा या नहीं करेगा दोस्तों। अभी आपको जैसा दिख रहा है कि हमने इस कनेक्टिंग को इधर रोक दिया है, और जब हम इसका व्हील घुमाते हैं तो उसका कनेक्टिंग एक ही जगह पे मूव कर रहा है। हम इधर से टाका बड़ा करेंगे इसका, इधर से बटन दबा के इसका टाका बड़ा करेंगे, बटन जब फंस जाएगा जब हम टाका बड़ा करेंगे ऐसे, और फिर हम टाका का बटन छोड़ के फिर व्हील घुमाएंगे तो इसके अंदर मूवमेंट आना चाहिए, तो ये अब ऊपर नीचे करना शुरू हो गया। इसी तरीके से जब हम टाका छोटा करेंगे तो ये बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाना चाहिए, यानी कि बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहिए आगे पीछे, सिर्फ ऐसे हल्का हल्का ऊपर नीचे करेगा, आगे पीछे नहीं करेगा। तभी मैंने टाका इसका छोटा किया और दोबारा हमने चेक किया तो ये बेहतरीन सेट हो गया दोस्तों। अब इसका आगे की चीज़ें हम फिट कर लेंगे। उसका ये लीवर फिट करना है जो हमारा डिफरेंडर फीड बार और मेन फीड बार को आगे पीछे करवाएगा, इसको हम फिट कर लेंगे। ये यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ऐसे लगा लेना है, और लगाने के बाद इसको ऐसे नीचे की तरफ ले आके हमें छोड़ देना, उसका टाका छोटा कर लेना ताकि ये आराम से बैठ जाए। ये नीचे चला गया, अब हम नीचे से सामान फिट करेंगे इसको दोस्तों। इस जगह से ये शाफ्ट हम अंदर करेंगे इसको यहाँ से, और इधर से अंदर करने के बाद ये जो हमारा पीस ऊपर से हमने लगाया था इसका, इसको हमने बैठा लेना है इस पर। तो इसको हम पहले आगे थोड़ा चढ़ा लेते हैं इसको, और चढ़ाने के बाद ये बुशके बिल्कुल पड़ोस में बैठेगा। इस तरीके से हमने इधर जगह पे ले आना है इसको, शाफ्ट के सामने बिल्कुल हल्का सा ये जाम हो रहा है, तो इसका जामपना भी ख़त्म करना है। तो जामपना ऐसे ख़त्म होगा कि इसका जो हमारा ऊपर से स्टिच काउंटर बैठा है ये बिल्कुल बैठा हुआ नहीं है, ये कनेक्टिंग के अंदर से इधर से गेप है थोड़ा सा, तो ऊपर से हम इसको थोड़ा सा इसको बैठाते हैं दोस्तों। ये जो अभी हमने दो एलगी का स्क्रू टाइट किया था इसको हम थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे, और ज़्यादा लूज़ नहीं करना, थोड़ी सा लूज़ करना है, एक एक चूड़ी लूज़ करके, और फिर हम इधर से इसको बैठाएंगे। इधर से हम कोई चीज़ रख के ऐसे हल्का हल्का चोट मारेंगे, ये हमारा पीस बिल्कुल बैठ जाएगा जाके, 19-20 अगर इसमें गेप होगा तो ये बैठ जाएगा। दोस्तों लोहार वाला चोट नहीं मारना है, सोनार वाला मारना है, और फिर हम इसको टाइट करेंगे। इसके कट वाले स्क्रू को पहले टाइट करेंगे, ये हमने कट वाले स्क्रू को टाइट कर दिया, और दूसरे स्क्रू को भी हम टाइट कर लेंगे। तो अभी हम चेक करेंगे हमारे कनेक्टिंग में गेप आया नहीं आया, तो अभी ये तकरीबन गेप इसके अंदर आ गया। तो दोस्तों अभी हमारा इसके अंदर थोड़ा प्ले आ गया है, अभी जैसे ये आपको दिख रहा है, वरना पहले ये बिल्कुल हिल नहीं रहा था, बुश के साथ जाम हो रहा था। तो इसको हमने जगह पे ऐसे बैठा लेना है, और जगह पे बैठाने के बाद इसका अगला पीस इसके अंदर बैठा लेंगे जो हमारा इस कनेक्टिंग को मूव करवाएगा। दोस्तों ये इसका डिफरेंडर फीड बार का जो कनेक्टिंग है इसके अंदर ये पट्टी है, इस पट्टी को हम फंसा लेंगे। ये फेक लीवर को चला रहा होता है, जो इस जगह पे फेक लीवर लगा हुआ है हमारा ये वाला, इसको ये चला रहा होता है। तो इसको हमने इस जगह पे ऐसे लगा लेना है, और लगा के रोक लेना है, और रोकने के बाद फिर इसका ये वाला भी पीस हम लगा लेंगे। इसका ये पीस इस तरीके से यहाँ पे ऐसे सेट होगा दोस्तों। इसको इस तरीके से इस पट्टी को हम यहाँ पे रोक लेंगे, और ये जो हमारा लीवर है इसको हम ऐसे अंदर की तरफ लेके जाएंगे, और अंदर की तरफ ले जाने के बाद फिर हम इसको ऐसे नीचे की तरफ झुकाएंगे, और इसका जो ये पट्टी है इसको नीचे की तरफ कर देंगे ऐसे,
और करने के बाद इसका जो ये पीस लगा हुआ है इसको हम इस सुराख के अंदर ऐसे बैठा लेंगे, तो थोड़ा जगह कम होता है बैठ जाएगा ये, तो इसको हमने ऐसे इधर ऐसे बैठा लेना है। तो ये हमारा पीस बैठ गया है। दोस्तों इसका फीड बार जो एग्जिस्टिंग लीवर लगा हुआ है हमारा, इसको हमने इधर ऐसे बैठा लेना और इस पर ऐसे बैठा के इसके शाफ्ट को हम आगे की तरफ लेके जाएंगे। और इसके बाद फिर हम इसका ये वाला पीस बैठाएंगे, ये ऐसे इस तरीके से यहाँ पे लगेगा। और ये मिनी कनेक्टिंग जो हमारा लगा हुआ है इधर ऊपर से, ये इसके साथ कनेक्ट होगा इसके साथ। इसको मैं चढ़ा लेता हूँ। दोस्तों इसके इस कनेक्टिंग को ऐसे ऊपर कर लेना है, और ऊपर करने के बाद इसके हम पीस को ये वाले को यहाँ पर ऐसे लगा लेंगे, ऐसे इस जगह पर इसको हमने बैठा लेना है। ज़रूरी नहीं है कि एक दफ़ा में हो जाएगा ये सारा काम, मैं दो दो तीन तीन दफ़ा करता हूँ तब जाके ये चढ़ता है। वीडियो में मैं एक दफ़ा सिर्फ दिखाता हूँ कि ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ये एक दफ़ा में नहीं चढ़ता है, चढ़ जाएगा छोटा है, बार बार गिरता है पुर्जा, बार बार उठाते हैं बार बार लगाते हैं तो ये फिर लग जाके लगता है। इसको हमने इस जगह पर इसको बैठा लेना है ऐसे, और बैठाने के बाद इसके शॉप को हम आगे लेके जाएंगे ऐसे। ठीक है, अभी फिर दोबारा गिर गया। दोस्तों इस जगह पे इसको हमने ऐसे बैठा लेना है, और बैठाने के बाद इसको हम ऐसे जगह पे लेके जाएंगे। इसके कनेक्टिंग को आगे धक्का देना है और इसको ऐसे इस जगह पे ऐसे बैठाना है। इधर से शाफ्ट को हम आगे की तरफ लेके जाएंगे और शाफ्ट को इसके सुराख में पहना लेंगे। तो ये हमारा शाफ्ट जगह पे पूरा एंड तक का ऐसे हमने इसको धक्का दे लेना है, घुमा घुमा के ऐसे एंड तक का बिल्कुल चढ़ा लेना है। फिर किसी चीज़ में अटक रहा है, ये किसी कनेक्टिंग के अंदर अटक रहा है थोड़ा बहुत, तो इसको हमने चढ़ा लेना है बिल्कुल शाफ्ट को एंड तक का ले आके हमने इसे बैठा लेना। दोस्तों ये कनेक्टिंग पट्टी जो हमने ऊपर से लगाया था जो फीड बार को एडजस्टमेंट कर रहा होता है, इसको हमने लगा लेना है। ये स्क्रू हम यहाँ से खोल के हटाएंगे, और स्क्रू को हटा के इधर ये केम वाला एक स्क्रू लगा हुआ, इस स्क्रू के अंदर हमने इसको फंसा लेना, फंसा के उसको लगा लेना। दोस्तों इस नट को हमने इधर ऐसे इसको दबा के ऐसे चढ़ाते जाना है, और फुल चढ़ा लेना है बिल्कुल, यानी कि फुल टाइट कर लेना है। और टाइट करने के बाद इसको 8 नंबर के पाना से हमने अच्छी तरीके से, या 7 नंबर के पाना से अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। इसको लूज़ नहीं रहने देना, इसको फुल टाइट कर लेना। दोस्तों ये 5 नंबर की इधर 2 इल्की का स्क्रू दिख रहा होगा, और एक ये दिख रहा है, इसको हमने नॉर्मल टाइट करना है ताकि हम फीडॉक का एडजस्टमेंट कर सकें निडल प्लेट के हिसाब से, कि निडल प्लेट के होल के बीच में हमारा फीडॉक चले। इसको हमने नॉर्मल टाइट कर लेना, फुल टाइट नहीं करना है, ऐसे हल्का हल्का हमने इसको टाइट कर लेना। इसी तरीके से इसको भी हमने हल्का सा टाइट कर लेना। दोस्तों ये कॉलर है इस साइड पे, ये कॉलर लगेगा, इस कॉलर को भी हमने जगह पे लगा लेना है। और इसको लगाने के बाद इसके कट मार्क को हम जगह पे बैठा लेंगे। तो इस कॉलर को हमने इस तरीके से लगा लेना है, इसको आराम आराम से ऐसे बैठा लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल फिक्स बना हुआ होता है, एक दफ़ा में कोई सा भी पीस नहीं बैठता, ये बात मेरा हमेशा याद रखिएगा। तो हमने शाफ्ट को अंदर धक्का दे के रखना, और इधर से इस कॉलर को मिला के दोनों स्क्रू को टाइट कर लेना है इसका अच्छी तरीके से, ताकि शाफ्ट हमारा एक जगह पे रुक जाए। दोस्तों ये व्हील भी हमारा बिल्कुल फ्री है, और मशीन बहुत अच्छे से घूम रहा है, वर्क कर रहा है इसका व्हील। ये व्हील भी हमारा बिल्कुल फ्री है, इसी तरीके से फ्री होना चाहिए। दोस्तों इसका फीडॉक वगैरह लगा लेते हैं। इसका फीडॉक का जो ये ब्रेकेट है, ये ब्रेकेट मैंने ब्रेकेट के ऊपर फीडॉक को पहले से टाइट कर रखा है, और इसको हमने यहाँ पे ऐसे बैठा लेना है। बैठाने के बाद इसका स्क्रू लगा लेना है, तो इसके स्क्रू को हम मैग्नेट वाले पेचकस पे फंसा लेंगे, और फंसाने के बाद इसको जगह पे बैठा लेंगे। तो इसको हम दोबारा ऐसे पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद इसको हम जगह पे ले आके ऐसे टाइट कर लेंगे। दोस्तों पेचकस का मुँह बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए मैं अब छोटे मुँह का पेचकस से इसको टाइट करने की कोशिश करता हूँ, और इसके बाद फिर हम इसका दूसरा वाला फीडॉक भी लगा लेंगे। दोस्तों इसका मैंने दोनों फीडॉक लगा लिया है, और इसका ये निडल प्लेट भी इसके अंदर लगा लेंगे। और लगाने के बाद फिर मशीन का हम टाका फुल बड़ा कर लेंगे, इधर से बटन दबा के हमने मशीन का टाका फुल बड़ा कर लेना है। और ये अभी हमारी मशीन का टाका फुल बड़ा है, अब इसका फीडॉक का चलना देख लेंगे। दोस्तों इसका व्हील घुमा के देखेंगे तो ये आपको दिख रहा है, फीडॉक एक ही साइड पर हमारा मूव कर रहा है, और इधर प्लेट के साथ टकर भी रहा है इससे, और इस साइड से हमने इसको सेंटर कर लेना। इसके एक फीडॉक असेंबली को सिर्फ हम जो इसका मेन फीड बार है उसको हम यहाँ पे ऐसे पेचकस रख के हल्का हल्का चोट मारेंगे, तो ये आगे जाने लगेगा। ये हमारा आगे चला गया, और आगे जाने के बाद इधर पीछे से 6 नंबर की एलकी का स्क्रू है यहाँ पे, 5 नंबर की एलकी का स्क्रू है यहाँ पे, इसको हमने टाइट कर लेना हल्का सा, इस जगह से इसको हम टाइट कर लेंगे। और टाइट करने के बाद फिर हम इसका ये घुमा के देखेंगे कि ये सेंटर हुआ या नहीं हुआ। तो अभी ये आपको दिख रहा होगा, इसका टका फुल बड़ा कर लेना है,
और पुल बड़ा करने के बाद फिर इस व्हील को हम घुमा के ऐसे देखेंगे। तो तकरीबन ये सेंटर हो गया है दोस्तों। इस शाफ्ट को जो मूव करवा रहा है ये इसका मेन स्क्रू है, इसको हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है, इसके अंदर लूजिंग नहीं रहने देना है, इसको हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना ताकि ये फिक्स हो जाए एक जगह पे, तभी हमारा फिडोक का एडजस्टमेंट सही होगा। क्योंकि इसको ये अभी लूज़ है यहाँ से, ये लूज़ होने के वजह कर हमारा जो फिडोक है वो एक जैसा नहीं चल रहा है। इसको मैंने टाइट कर लिया, अब फिर दोबारा टाइमिंग देख लेंगे ऊपर से। दोस्तों फीड बार का जो मेन स्क्रू है उसको मैंने नीचे से टाइट किया, तब इसका फिडोक का चलना बिल्कुल सही हो गया, इसी तरीके से चलना चाहिए। और पीछे साइड से ये अभी भी थोड़ा टकर रहा है, तो इसको हमने इस साइड से ये अभी भी बहुत करीब से गुजर रहा है और इधर गेप है, तो ये आपको दिख रहा होगा, इसको हम थोड़ा सा और आगे करेंगे। पीछे से ये 5 नंबर की एल की का स्क्रू जो हमने टाइट किया यहाँ से, इसको हमने लूज़ करना है। इसको हमने लूज़ करने के बाद फिर इसके हम फिडोक को हल्का सा ऐसे इधर से आगे कर देंगे ऐसे, तो ये हमारा फीड बार आगे चला जाएगा इधर से, प्लस चोट मार लेंगे पेचकस पेचकस रख के, ये भी आगे चला गया। और इसको हम यहीं पे टाइट कर लेंगे फिर दोबारा, और टाइट करके फिर व्हील घुमा के हम देखेंगे कि ये सेट हुआ नहीं हुआ। अभी ये बिल्कुल सेट है मेरे हिसाब से। अगर टाका और बड़ा होगा तो, जब टाका बड़ा होता तो फिडोक पीछे की तरफ आता है, तो हमेशा आपने याद रखना है कि पीछे की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा गेप रखना है। तो आगे वाला फिडोक हमारा सेट हो गया, इसके स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना इधर से, इस जगह से हमने ये एल की स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना, 5 नंबर की एल की का स्क्रू जो हमारा लगा हुआ है मेन फीड बार के ऊपर। दोस्तों इसके फिडोक को हम एडजस्टमेंट कर लेंगे यहाँ से, इसको हम थोड़ा सा लूज़ करेंगे स्क्रू को, और इसके फिडोक को नीचे कर लेंगे। इसका फिडोक बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो यहाँ से हम इसको नीचे कर लेंगे ऐसे। ये हमने नीचे किया इसको, और व्हील घुमा के फिर हम देखेंगे। तो दोस्तों ये अभी देखने में ऐसा लग रहा है कि हमारा फिडोक ऐसे सीधा नहीं है बिल्कुल, इधर से ऊपर है और इधर से नीचे है। अगर आप गौर करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि फिडोक हमारा बिल्कुल सीधा नहीं है, इस साइड से जो है ये ऊपर है और इधर से नीचे। इसको हम पहले बराबर कर लेंगे ताकि सीधा हो जाए। इसका जो ये स्क्रू हमने यहाँ पे ये वाला इसका स्क्रू जो लूज़ छोड़ा हुआ है, तो दोस्तों ये यहीं से सीधा होगा। यहाँ पे हमने पेचकस ऐसे फंसाना है, और पेचकस फंसाने के बाद इसको हम मूव करवाएंगे। जब हम मूव करवाएंगे तो फिडोक आपको नज़र आएगा कि ऊपर नीचे हो रहा है। इधर नज़र रखिए फिडोक के ऊपर, और इधर से पेचकस को मूव कीजिए। जब हम मूव करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि फिडोक हमारा सीधा हो रहा है। तो ये इस जगह पे हमारा फिडोक बिल्कुल सीधा है, और इसी जगह पे हम इसको फिलहाल रोक देंगे, और रोक के इसके व्हील को हम घुमा के से चेक करेंगे। अभी हमारा फिडोक जो है ये बहुत ज़्यादा नीचे गया हुआ, इसके स्क्रू से हम थोड़ा इसको ऊपर करेंगे। इसको हमने लूज़ करना है, और लूज़ करने के बाद फिर हम फिडोक को थोड़ा सा ऊपर करेंगे। ये हमने ऊपर किया, ऊपर करने के बाद अभी भी ये इस जगह से हमें उठा हुआ नज़र आ रहा है ज़्यादा, तो हमने इसको इस जगह से बराबर कर लेना है। फिर इसको हम फिर ऐसे मूव करवाएंगे तो ये ऐसे सीधा होता जाएगा। अभी ये सीधा हो गया और फिडोक हमारा अभी भी नीचे, तो हम इसको यहाँ से फिर दोबारा और थोड़ा सा ऊपर करेंगे इस जगह से, ताकि हमारा फिडोक बिल्कुल सीधा हो जाए। इसकी स्क्रू को लूज़ करना है, और इसी तरीके से आपने इसको सीधा कर लेना, तभी हमारा फिडोक तकरीबन सीधा है। इसी तरीके से आपने इसको सीधा करना है, और ये बेहतरीन काम भी करेगा। दोस्तों फिडोक तो हमारा सीधा हो गया है। अभी इस फिडोक में आपको दोस्तों इसके फिडोक में आपको ये गेप नज़र आ रहा है, ये गेप आपने थोड़ा सा कम करना है, यानी कि इसके अंदर 2 mm या 3 mm का गेप रखना है दोनों फिडोक के अंदर। तो हम यहाँ पे ऐसे पेचकस फंसाएंगे, और पेचकस फंसा के इसको ऐसे हल्का हल्का चोट मारेंगे तो ये आगे जाएगा। फिडोक की तरफ नज़र रखिएगा तो ये आगे जाएगा, देखिएगा फिडोक हमारा आगे जा रहा है। इसको हमने इसी तरीके से चोट मार के थोड़ा करीब कर देना है, ये अभी इतना करीब बहुत है, हल्का सा और करीब कर देते हैं, और ये भी बेहतर है। इसी तरीके से इसकी सेटिंग होनी चाहिए। अभी हमारा फिडोक दोनों अलग अलग चल रहा है, तो इसको हम फेक लीवर से इसको सेट करेंगे। इसको यहाँ से हल्का सा इसका फेक लीवर दबाएंगे, और फिडोक का चलना बराबर करेंगे। अभी इस जगह पे हल्का सा ये मैंने दबाया, और इसका फिडोक का चलना बराबर हो गया। तो यहीं पे हम इसके स्क्रू को टाइट कर लेंगे इस जगह पे। और फिर हम व्हील घुमा के देखेंगे, बेहतरीन काम कर रहा है, इसी तरीके से काम करना चाहिए। फिडोक की हमारी सेटिंग हो गई है। अब हमारी जितनी भी स्क्रू हमने इसके अंदर से खोला था सबको अच्छी तरीके से टाइट कर लेना। दोस्तों इसके सारे स्क्रू को मैंने अच्छी तरीके से टाइट कर लिया है। अब इसका ये बाहर बाहर वाला हिस्सा हम लगा लेंगे। इसको हमने यहाँ पे ऐसे बैठा लेना है, और बैठाने के बाद इसको टाइट कर लेना। आपने सिलिकॉन ट्यूब लगाना है इसके किनारों में, तब लगाना है इसको। ये मैंने सिर्फ आपको ऐसे ही लगा के दिखाया है। अभी हमारे पास सिलिकॉन ट्यूब अवेलेबल नहीं है। जब ये मशीन लाइन में हम चलने के लिए देंगे, इसके ऊपर भी हम सिलिकॉन ट्यूब वगैरह लगा लेंगे। तो इसके ये तीनों स्क्रू को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना।
दोस्तों अब इसका हम टाका छोटा बड़ा करके देख लेंगे कि ये इसका स्टिच काउंटर सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। इसको हमने टाका इसका छोटा किया और फिर डॉग हमारा एक ही जगह पे चल रहा है, और जब हम टाका इसका यहाँ से बटन दबा के बड़ा करेंगे तो ये हमारा फिर डॉग वर्क करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। तो दोस्तों अगर आप में से कोई भाई नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएँ ताकि ऐसी कोई भी मैं टेक्निकल वीडियो बनाऊँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़। दोस्तों ये कवर वगैरह मैं लगा के बंद करके इसको लाइन में दे दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन गया है।